जय जिनेन्द्र, मैं विजय जैन, महासचिव भारतीय जैन संगठन BJS दिल्ली NCR। आज मैं उपस्थित हूँ स्वीट होम, एक संस्था है दिल्ली नजफगढ़ में। यह एक ऐसी संस्था है जो कि बेसहारा महिलाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जहां की जिनका कोई आसरा नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हों या अन्य कारणों से जो बेसहारा हो गई हैं, उनके लिए यह एक आश्रय, सुंदर आश्रय स्थल है। यहां उनको उनकी योग्यता अनुसार उनको काम करना सिखाया जाता है, उनको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और यहां वो हंसी खुशी किस प्रकार अपने जीवन का यापन कर सकें, इस पर काम होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यहां के संचालक अविनाश जी का, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन इस प्रकार के जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगा दिया है। हमारे पास गुरुदेव श्री राकेश मुनि, मैं BJS के पास गुरुदेव श्री राकेश मुनि जी महाराज के पास से नरवाना का केस आया, जो कि एक बच्ची मनीषा जैन, इनको बहुत कम दिखाई देता है और इनकी धोखे से शादी कर दी गई। यह नजफगढ़ में स्थित मायका बेसहारा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आश्रम है। यहाँ मनीषा नरवाना से आई है, इनके लिए बहुत सुंदर उत्कृष्ट व्यवस्था यहाँ है। इसी के अंतर्गत आप देखते हैं ये बच्ची के का रहने का रूम है और उसी ये इनका बेड है, यहाँ इनका सामान है, दवाइयाँ या किसी भी प्रकार की आवश्यकता इस बच्ची को है, यहाँ इसकी हर एक आवश्यकता पूरी करी जाएगी। उसके साथ साथ इसको सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने के लिए इसको जो जिम्मेदारियां भी दी जाएगी, उन्हीं जिम्मेदारियों के तहत ये अपना जीवन यापन करेगी। यहाँ हमारे साथ हमारे प्रिय अविनाश जी हैं, जो कि मायका के संचालक हैं और इनके यहाँ ये इस बच्ची के लिए पिता तुल्य यहाँ काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बच्ची को खूब खूब मंगल कामनाएं देता हूँ।